नमस्कार दोस्तों सुप्रभात चुनाव खत्म हो चुके हैं पांच राज्यों के और अब प्रक्रिया सुने हो शुरू होने वाली है राज्यसभा चुनावों की और दो और राज्यों के जो इम्पोर्टेंट चुनाव आ रहे हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों में ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला होगा हिमाचल में या तो बीजेपी की सरकार रही है या कांग्रेस की और गुजरात में लगातार बीजेपी की सरकार है लेकिन वहाँ पर कभी कांग्रेस का बोलबाला हुआ करता था और पिछले चुनाव में भी कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंदी थी अब पांच राज्यों के चुनाव में जो अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं कांग्रेस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ पंजाब एक और स्टेट उनके हाथ से निकल गई अब सिर्फ दो राज्यों में कांग्रेस की सरकार है राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन दोनों ही राज्यों में अप्रैल के महीने में एक चिंतन शिविर आयोजित करने जा रही है कांग्रेस और कल कांग्रेस की सी डब्ल्यू सी जिसे कहते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी उसकी एक बैठक थी उसमें दोनों मुख्यमंत्री मौजूद थे अशोक गहलोत भी और भूपेश बघेल भी छत्तीसगढ़ वाले भी उन्होंने कहा कि बजट सत्र खत्म होगा आज से बजट सत्र का दूसरा सेशन शुरू हुआ है जो दूसरा पार्ट होता है वो शायद आठ अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा और तय किया गया कि आठ अप्रैल के बाद कभी भी आप चिंतन शिविर करवा लीजिए और दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम इसको होस्ट करेंगे पैसे की कमी तो होती नहीं है मुख्यमंत्री है वहां पर जहां इनका राज्य होता है वहीं पर इस तरह के शिविर कराए जाते हैं तो व्यवस्थाएं भी बढ़िया हो जाती हैं इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को यह भी लग रहा है कि कहीं हमारे हाथ से छत्तीसगढ़ भी ना जाता रहे या फिर आने वाले समय में राजस्थान भी ना चला जाए यहाँ के दोनों मुख्यमंत्री वैसे अशोक गहलोत तो फेवरेट हैं सोनिया गांधी के और भूपेश बघेल फेवरेट हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक थी उसमें इस बात पर विचार विमर्श करना किया जाना था कि पांच राज्यों के जो नतीजे आए हैं उसमें हमने किस तरह से फेयर किया हमने किस तरह से प्रदर्शन किया और हमें आने वाले समय में क्या करना चाहिए बहुत सारी खबरें चल रही हैं और मैंने आज इस बारे में जितनी भी खबरें मीडिया के माध्यम से आई हैं सामने वो सभी को मैंने स्कैन करने की कोशिश की अंग्रेज़ी के अखबार क्या लिख रहे हैं हिंदी के अखबार क्या लिख रहे हैं और सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है किस तरह के ट्वीट्स लोग इन इन चीज़ों को लेकर कर रहे हैं तो इसमें मेरे दिमाग में साहब दो ही बातें आई एक तो ये आया मेरे अकल में कि गांधी फैमिली से अलावा कुछ भी सोचने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेसी सोनिया गांधी ने मीटिंग की शुरुआत में ही ये कहा कि देखिए अगर आप सब लोगों को लगता है कि गांधी परिवार की वजह से मेरे या मेरे बच्चों की वजह से पार्टी का कोई भी नुकसान हो रहा है तो मैं स्टेप डाउन करने के लिए तैयार हूँ हम राहुल और प्रियंका को भी पीछे हटा लेंगे आप जो चाहें जिस तरह से चाहें उस तरह से फंक्शन करें मुझे लगता है कि सोनिया गांधी ने यह बात जेन्यूनली कही वो चाहती हैं कि कोई दूसरा आए और उसके नेतृत्व में हम काम करके देखेंगे ऐसा हो पाता है और वो ये भी शायद इस समय परेशान हैं कि वो राहुल गांधी को लगभग दो साल से लोकसभा चुनाव के बाद इस्तीफ़ा दे दिया था 2019 में राहुल गांधी ने और उसके बाद वो दो साल से उन्हें मनाने का प्रयास कर रही हैं और राहुल गांधी मानने के लिए तैयार नहीं है पहले उनकी जिद थी कि अशोक गहलोत कमलनाथ इन जैसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए जिनकी वजह से हमारे जिनके राज्यों में हमारी सरकारें होते हुए भी हम दो में कुछ नहीं कर पाए थे लेकिन सोनिया गांधी ने उनकी बात मानी नहीं थी अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी अलग अलग घरों में रहते हैं एक साथ रहते नहीं शायद दोनों के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर मतभेद भी हैं लेकिन माँ माँ होती है और बेटा बेटा होता है सोनिया गांधी ने उस समय जिद पकड़ ली थी कि ना मैं कमलनाथ को हटाऊंगी और ना ही अशोक गहलोत को हटाऊंगी बहरहाल कमलनाथ को तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हटा दिया और अशोक गहलोत को हटाते हटाते रह गए थे सचिन पायलट क्योंकि उनके पास नंबर्स कम थे विधायकों की संख्या कम थी इस सब के बावजूद भी सोनिया गांधी ने यह नहीं माना आज तक कि मैंने कोई गलती की है लेकिन कल जो मीटिंग हुई सी डब्ल्यू सी की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इनके जो पार्टी का मुख्यालय है वहां पर ही बुलाई गई थी चौबीस अकबर रोड पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो दफ्तर है उसमें सोनिया गांधी ने यह बात स्वीकार की कि पंजाब में हमारा फैसला गलत रहा कई फैसले हमसे गलत हुए गुलाम नबी आज़ाद जिन्हें ग्रुप ट्वेंटी थ्री का हिस्सा कहा जाता है जो पार्टी में सुधारों की तरफ काम करना चाहता है और जो चाहता है कि पार्टी को रिवाइव किया जाए फिर से मेन फोर्स में लाया जाए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि साहब पंजाब में हमारी स्ट्रेटजी गलत थी हमें कैप्टन अमरिंदर को इस तरीके से अचानक नहीं हटाना चाहिए था और अगर हटाना चाहिए था तो हमारे पास पर्याप्त समय था हमें समय रहते हमने ये काम क्यों नहीं किया बताया जाता है कि इस मीटिंग में सोनिया गांधी ने यह अपनी गलती स्वीकार की सोनिया गांधी ने यह कहा कि हाँ हमसे गलती हुई कम से कम एक साल पहले हमें कैप्टन अमरिंदर को हटा देना चाहिए था लेकिन हमने गलती की अभी चुनाव से दो तीन महीने पहले ही ऐसा किया गया इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू की भूमिका को लेकर अजय माकन ने खूब सवाल उठाए अजय माकन ने कहा कि साहब ये तो हमारे मुख्यमंत्री थे जो चन्नी उन्हीं के खिलाफ अभियान चलाते रहे इससे पहले कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ चलाते रहे नवजोत सिंह सिद्धू इससे पार्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है वरना पंजाब में कांग्रेस वापसी कर सकती थी चरणजीत चन्नी के रूप में हमें एक बढ़िया फेस मिल गया था जब गुलाम नबी आज़ाद ने यह बात उठाई कि पंजाब में हमने गलती की इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी कहा कि हमने पंजाब का प्रभारी हरीश रावत को बनाया हुआ था जो जो खुद उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रहे थे उत्तराखंड में हम लोग हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले थे और हमने हरीश रावत को बिजी किया हुआ था पंजाब के झमेले में ये बात खुद हरीश रावत ने कई बार सोनिया गांधी से मिलकर कही हरीश रावत ने कई बार सोनिया गांधी से ये कहा कि आप मुझे इस दायित्व से मुक्त कर दीजिए मैं उत्तराखंड का काम देखना चाहता हूँ चुनाव सिर पर आ रहे हैं वहाँ पर किसे टिकट देना है कैसे करना है ये सारी व्यवस्था करनी है और सोनिया गांधी उन्हें बार बार भेजती रही पंजाब का ऑब्जर्वर बना करके जाइए वहाँ जाइए वहाँ की समस्या सोल्व कीजिए अब चूंकि प्रभारी थे वहाँ के तो इनका जाने में मजबूरी थी कहने के लिए तो नवजोत सिंह सिद्धू इनके मित्र थे हरीश रावत के लेकिन ना नवजोत सिंह सिद्धू ने हरीश रावत की मानी ना सोनिया गांधी की ना राहुल गांधी की पहले डंडा किया उन्होंने अमरिंदर को अमरिंदर को परेशान किया और उसके बाद चरणजीत चन्नी को परेशान करते रहे खुद पंजाब अपने आप में कांग्रेस के लिए एक सिरदर्द बन गया ये एक बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ रही कांग्रेस के लिए लेकिन इस विचार मंथन के दौरान कुछ चीज़ें जो सामने निकल कर आई हैं वो ये आई हैं कि मुकुल वासनिक का नाम कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में लिया गया और मैं मुकुल वासनिक के बारे में कुछ और बातें भी आपको बताऊंगा और मुकुल वासनिक की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उनकी शादी की है अभी दो साल पहले ही उन्होंने 9 मार्च 2020 को शादी की थी रवीना खुराना के साथ जो उनकी पुरानी मित्र हैं और युवक कांग्रेस में जब ये 1984 वगैरह में आए थे मुकुल वासनिक 60 प्लस हैं इस समय बासठ साल के हो गए होंगे और इन्होंने उस समय से पार्टी के साथ ये जुड़े रहे और मुकुल वासनिक ने अभी दो साल पहले जब कोरोना का काल देश में शुरू होने वाला था उसी समय इन्होंने रवीना खुराना से लव मैरिज की थी जिन दोनों के बीच में लंबे समय से मित्रता थी और इन दोनों की जो मित्रता थी वो मुकुल वासनिक अब तक अविवाहित थे मैं आपको बता दूं और मुकुल वासनिक ने जब इनसे शादी की तो दोनों ही सिक्सटी प्लस हो चुके हैं यानी कि रवीना भी रवीना खुराना भी सिक्सटी प्लस हैं और अब मुकुल वासनिक भी सिक्सटी प्लस हैं मुकुल वासनिक के बारे में आपको मैं बता दूं कि मुकुल वासनिक जो हैं ये महाराष्ट्र से आते हैं और इनके पिता जो हैं वो भी बड़े नेता रहे हैं और तीन बार इनके पिता एमपी रह चुके हैं बालकृष्ण रामचंद्र वासनिक और ये बुल्ढाना सीट को आप प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में उन्नीस में जब कभी इंदिरा लहर थी उस समय बहुत यंग एज में मेरे ख्याल में शायद 25 साल की उम्र में ये सांसद बन गए थे बुल्ढाना सीट से और उसके बाद इनका वहाँ से जीतने हारने का सिलसिला चलता रहा ये नरसिम्हा राव की सरकार में भी मंत्री रहे कैबिनेट में मनमोहन सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे और इस समय पार्टी के महासचिव हैं और ये युवा कांग्रेस से भी ये लंबे समय तक जुड़े रहे तो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं दिग्गज नेता हैं अपने दम पर जीत कराते हैं 2014 में तो ये जीत गए थे मोदी की लहर के बावजूद भी लेकिन 2019 में ये चुनाव हार गए थे और इन इसके बाद से ये लगातार चर्चा हो रही है कि 2019 का जब चुनाव हुआ था 2019 के चुनाव में जब हार का सामना पड़ा करना पड़ा कांग्रेस को तो मुकुल वासनिक का नाम अध्यक्ष पद के लिए जोरदार तरीके से चला था जब राहुल गांधी ने स्टेप डाउन किया था और कहा था कि साहब मैं अध्यक्ष नहीं रहना चाहता हूं वो नाराज हो गए थे राहुल गांधी उसके बाद इनका नाम सुझाया गया लेकिन उस समय बात नहीं बनी और अंत में यही तय हुआ था सब लोगों का सब लोगों की राय यही बनी थी कि सोनिया गांधी को इंटरिम अध्यक्ष बना दिया जाए और 19 से आज तक वो इंटरिम अध्यक्ष हैं हालांकि इस साल सितंबर में कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना है और चर्चा ये है कि शायद इस बार पार्टी पूरे सिस्टमेटिक संवैधानिक तरीके से इसका चुनाव करवाएगी कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सी सी की मीटिंग के बाद और रणदीप सुरजेवाला और उनके साथ के सी वेणुगोपाल इन सब लोगों ने प्रेस को संबोधित किया और उनसे मीडिया ने सवाल जवाब किए तो उस समय उन्होंने इस बात का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वैसे तो पार्टी के सभी नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी पार्टी की कमान संभालें लेकिन हमारी इच्छा है कि अगले अध्यक्ष का चुनाव प्रक्रिया के तहत हो जो चुनाव एक प्रक्रिया होती है सी डी के सदस्य और जो दो पीसीसी के सदस्य हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के वो वोटिंग करते हैं उसके हिसाब से किया जाए और ये भी सुनने में आया है कि मुकुल वासनिक का जो नाम है ग्रुप ट्वेंटी थ्री के लोगों ने सुझाया ग्रुप ट्वेंटी थ्री यानी कि गुलाम नबी आज़ाद आनंद शर्मा इन सब लोगों ने मनीष तिवारी इन सब लोगों ने सुझाया और इन्होंने कहा कि इन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बताया जाता है कि उनकी इस बात को अपोज किया रणदीप सुरजेवाला ने दीपेंदर हुड्डा ने और के सी वेणुगोपाल ने के सी वेणुगोपाल राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं इन्होंने ही इन्हें वायनाड से चुनाव लड़ने की सलाह दी थी केरल लेके गए थे जब ये लग रहा था कि अमेठी से हार जाएंगे तो उस सारी जो मंडली है जो राहुल गांधी के करीब रहती है राहुल गांधी की फैन है और अशोक गहलोत ही बताया जाता है कि उनमें से ही एक है उन्होंने कहा कि नहीं नहीं राहुल गांधी जी को अध्यक्ष पद का संभालना चाहिए लेकिन मैं बता मैं बताऊं मुझे कुछ लोगों से मेरी बात हुई कांग्रेस में उनका कहना था कि अगर मुकुल वासनिक को अध्यक्ष बनाया जाता तो ये एक बढ़िया कदम हो सकता था वो कंपेरेटिवली सोनिया गांधी के यंग हैं 62 टू ईयर कोई इतनी उम्र नहीं होती और निश्चित रूप से उनके उनको लेकर पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं आसानी से एग्री हो जाते कोई उनका विरोध भी नहीं करता लेकिन सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो सोनिया गांधी किसी को मंजूर नहीं करेंगी वो भले ही ऊपर से कुछ भी कहती रहें और उनकी जो लॉबी है पूरी रणदीप सुरजेवाला और कई जो खास उनके खासम खास लोग हैं इस समय के सी वेणुगोपाल अजय माकन ये सब जो लोग इनके करीबी हैं उन सब लोगों को ये लगता है कि नहीं साहब गांधी परिवार के अलावा हम किसी और को अध्यक्ष मंजूर नहीं करेंगे और इसी वजह से ये बार बार विरोध कर देते हैं कल ये भी मीटिंग में किसी ने कहा कि पार्टी जो है पार्टी को सिर्फ यही तीन लोग चला रहे हैं के सी वेणुगोपाल अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला जबकि जो पार्टी के सीनियर नेता हैं उनसे सलाह नहीं की जाती है अब मुझे ये तो नहीं पता लग पाया कि ये बात किसने कही है लेकिन किसी दिग्गज नेता ने वहाँ पर यह बात जरूर उठाई अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि बीजेपी एक चाल चल रही है और लगातार ये प्रचारित करने की कोशिश कर रही है कि जब तक गांधी परिवार है तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता इसलिए हमें इस पर सजग रहने की जरूरत है कि इस प्रचार को खत्म किया जाए 2024 के जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उस पर भी चर्चा हुई आनंद शर्मा ने कहा आनंद शर्मा हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और अब हट जाएंगे वो अप्रैल में अब वहाँ पर एक सीट है जो उस पर चुनाव होने जा रहा है तो दोबारा चुने नहीं जाएंगे इन्हें भी चिंता सता रही है कि हिमाचल प्रदेश भी हाथ से ना हाथ से गया तो वहाँ की सीटें सारी की सारी चली जाएंगी वैसे भी सरकार बीजेपी की है दोबारा चांस कांग्रेस के वहाँ लग रहे हैं लेकिन पता नहीं आ पाएगी या नहीं और वहाँ पर आम आदमी पार्टी दस्तक दे चुकी है आनंद शर्मा ने कहा कि हमें आम आदमी पार्टी से निपटने की भी कोशिश शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी हमारे लिए चैलेंज बन रही है पहले दिल्ली से उसने कांग्रेस को बाहर किया अब पंजाब से बाहर कर दिया है और आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी वहाँ खड़ी हो जाए ये बात खासतौर से चिंता का विषय रही गुलाम नबी आज़ाद ने तो पंजाब की समस्या के पंजाब को हम सही तरह से हैंडल नहीं कर पाए इसी पर बरा बात की और चिंतन शिविर के बारे में बात हुई आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष हैं और वहाँ पर जो हमने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए हुए हैं ये जो दो 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 अध्यक्ष बनाने का सिस्टम है इसे ख़त्म किया जाना चाहिए पार्टी के अंदर काम बाधित हो रहा है आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस को विपक्ष में जो उसकी भूमिका है उसके बारे में सोचना होगा विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका सिकुड़ती जा रही है इस पर हमें निश्चित रूप से फोकस करना होगा और साथ ही ये भी बताया जाता है कि कई नेताओं ने ये बात भी कही कि राहुल गांधी पिछले दिनों जब उत्तराखंड में गए थे और वहां उन्होंने गंगा आरती में भाग लिया था तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी जरूरत है नहीं पार्टी का जो ये सॉफ्ट हिंदुत्व चेहरा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं इससे हमारा जो कोर वोट बैंक है जो कभी मुस्लिम वोट बैंक हमें वोट दिया करता था वो अब हमसे दूर भागता जा रहा है और दूसरे दलों के पास जा रहा है तो ये सब बातें इसमें बड़ी सोच समझ कर हुई अंबिका सोनी ने भी ये कहा कि आम आदमी पार्टी तेजी से उभर रही है हमें इसे रोकने के लिए प्रयास करना होगा बहरहाल सवाल यही है कि सितंबर में जब अध्यक्ष पद का चुनाव होगा तो क्या वास्तव में वो चुनाव होगा क्या वास्तव में राहुल गांधी के अलावा सोनिया गांधी किसी और के नाम पर मंजूरी देंगी और अगर कोई और अध्यक्ष बनता है सपोज कीजिए अगर मुकुल वासनिक का ही नाम चलता है तो क्या मुकुल वासनिक के नाम पर कांग्रेस में उस तरह की सहमति हो पाएगी जिस तरह की सहमति इस समय सोनिया गांधी या राहुल गांधी के नाम पर नजर आ रही है क्योंकि मीटिंग से निकलने के बाद सब लोगों ने जिन्होंने भी मीडिया के सामने बाइट दी सब लोगों ने यही कहा कि नहीं साहब राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनना चाहिए तो जब सब लोग चाह ही रहे हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने तो फिर मुकुल वासनिक का नाम चलाए जाने की जरूरत क्या है कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है सब कुछ गड़बड़ चल रहा है गड़बड़ घोटाला चल रहा है और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ने ही वाली हैं कम होने वाली नहीं है और मुझे तो ये भी लग रहा है कि अगले बार जब अगले साल जब राजस्थान में चुनाव होंगे तो कांग्रेस अपनी सरकार को वहाँ पर रोक नहीं पाएगी सरकार उसकी वहाँ भी जाएगी और शायद छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हो और जब तक इन सारे राज्यों से कांग्रेस का पत्ता साफ नहीं हो जाएगा तब तक कांग्रेस के ऊपर बैठे हुए गांधी परिवार के सदस्य इनके चमचे इन सबको तब तक अकल नहीं आएगी सुष्मिता देव जो कभी राहुल गांधी की फेवरेट हुआ करती थी आ, 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 वो चली गई छोड़कर पार्टी और टीएमसी से राज्यसभा की सांसद बन गई युवा मोर्चे की महिला मोर्चे की अध्यक्ष थी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी एक के बाद एक लोग तो आपके जा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए आर सिंह चले गए जितिन प्रसाद चले गए पार्टी खाली हो रही है बिल्कुल लेकिन गांधी परिवार का कुर्सी के प्रति जो मोह है और अब कांग्रेस को अपनी बपोती मान लेना इसे प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बना लेना इससे पार्टी इस भोकाल से पार्टी बाहर निकल नहीं पा रही है देखते हैं क्या होता है क्या कांग्रेस वास्तव में सेप्टेम्बर में अध्यक्ष का चुनाव कराती है क्या मुकुल वासनिक के को राहुल गांधी के ऊपर तवज्जो दी जाएगी इन सब चीज़ों पर चर्चा होती रहेगी बात होती रहेगी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को नोटिफिकेशन के लिए आइकन प्रेस करें और देखते रहें हर्ष की बात लाइव नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो यूट्यूब चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोच कर और समझदारी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं सो कंग्रेचुलेशन हर्ष जी एंड आप लोग जरूर देखिए लाइक कीजिए हर्ष की बात